हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर। आज हम हरियाणा जीके के अंदर एक ऐसी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर लगभग हम आपको 500 से ऊपर क्वेश्चन करवाएंगे। मैंने ये वाली वीडियो पहले भी अपलोड की हुई है, लेकिन पार्ट्स में अपलोड की हुई है। आप लोगों की डिमांड थी कि एक ही वीडियो में आपको पूरी हरियाणा जीके कवर करा दी जाए। सबसे पहले मैंने ग्रुप डी से पहले जो वीडियो अपलोड की थी, लगभग 1,30,000 लोगों से ऊपर लोगों ने वो वीडियो देखी थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिनका भी हरियाणा में किसी भी लेवल का एग्ज़ाम है, एच टेट है, हरियाणा पुलिस है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। वीडियो को सुनने से पहले कोई भी ऐसा कमेंट मत करना कि आप लोगों का कमेंट हमें हर्ट कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनना, और इस दौरान अगर कोई भी ऐड आती है तो उसे स्किप मत करना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन के नंबर की तरफ ध्यान मत देना, सिर्फ सुनते जाना जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले सीएम का जन्म कहाँ हुआ? हरियाणा के जो पहले सीएम थे उनका जन्म कहाँ हुआ? तो हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। उनका जन्म हुआ था बेरी में, और बेरी कहाँ पर है? झज्जर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राजकीय पुष्प का साइंटिफिक नेम क्या है? तो हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल का। जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो वो है नेलम्बो न्यूसी फेरा। नेक्स्ट है, 1975 में हरियाणा में कितने जिले बने? तो 1975 में सिर्फ एक ही जिला बना था, उसका नाम है सिरसा। वीडियो के एंड होते होते हैं आपको 90% हरियाणा के बारे में पता चल जाएगा, और हम मंडल वाइज भी हरियाणा जीके करा रहे हैं, तो हम मंडल वाइज भी सुन लेना, ताकि आपके जितने भी 20 या 25 नंबर के हरियाणा जीके आए वो आप अच्छे से कवर कर पाओ। क्वेश्चन नंबर था फोर्थ है हमारा, 1956 में भारत में कितने राज्य बने थे? 1956 में बने थे 14 राज्य, उसमें हमारे हरियाणा का कहीं भी नाम नहीं था। बाद में पंजाब पुनर्गठन एक्ट आया 1966 में, फिर पंजाब से हमारा हरियाणा अलग हुआ था। नेक्स्ट है, 1956 में भारत में कितनी यूटी बनी थी, मतलब यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश? तो कितनी बनी थी 1956 में? इसका आंसर होगा 6 केंद्र शासित प्रदेश। अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 7वां केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? चंडीगढ़। जो किस टाइम केंद्र शासित प्रदेश बना था ये अभी आगे क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट है, पंजाब पुनर्गठन कब हुआ? तो पंजाब पुनर्गठन कब हुआ? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारत में किसी भी राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी शन्नो देवी, और किस राज्य की थी? वो हरियाणा विधानसभा की थी। ओके, नेक्स्ट है, विमेश्वरी देवी मंदिर हरियाणा में कहाँ है? तो ये हरियाणा में कहाँ है? बेरी में, और बेरी कहाँ पर है? झज्जर में, और झज्जर को बोला जाता है शहीदों की भूमि। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष का साइंटिफिक नेम कौन सा है? तो हमारा राजकीय वृक्ष कौन सा है? हरियाणा का पीपल, और उसका साइंटिफिक नेम है फिकल रैली कोसा। याद रखना साइंटिफिक नेम इनकी। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने सारा आपको अच्छे से बताया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के जिले। अभी हम यहाँ पे हरियाणा के जिलों का डिस्कस करेंगे कि कौन सा जिला कब बना था। उसके बाद जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में मैं आपको खुद ही याद करा दूंगी। वीडियो के एंड होते होते आपको ये पता होगा कि कौन सा जिला किस तारीख को बना था। तो हरियाणा के जिले के अंदर डेट आपको याद रखनी है यहाँ पे कि किस ईयर में बना था, उसके बाद जिलों की संख्या कितनी है और जिलों के नाम कितने हैं। तो वर्तमान में जब हरियाणा बना था, मतलब कब बना था? 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में टोटल जिले कितने थे? 7। कौन कौन से 7 जिले थे? वो गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, अंबाला, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। अब कोई भी ट्रिक से रटने की जरूरत नहीं है, एंड तक आपको अपने आप याद हो जाएगा। 1972 में हरियाणा में कितने जिले बने थे? 2। ये 2 जिले कौन से थे? भिवानी और सोनीपत। ओके, 1973 में बना था 1, कौन सा? कुरुक्षेत्र, जिसको धर्मनगरी बोलते हैं। 1975 में 1 बना था सिरसा। क्षेत्रफल के आधार पर हमारा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। 1979 में भी 1 ही बना था, कौन सा बना था? फरीदाबाद, जहां सबसे ज़्यादा बनते हैं ट्रैक्टर। नेक्स्ट है, 1989 को बने थे टोटल 4 जिले। आगे भी ये क्वेश्चन कवर होगा, कई बार आएगा, आपको याद हो जाएंगे चारों के नाम। कौन कौन से 4 जिले बने थे? कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि डीलर जो है वो पानी पीने गया, मैंने लास्ट वाले अक्षर उठाए हैं, क्योंकि कैसे कैथल भी है, कैसे करनाल भी है, लेकिन यहाँ से आपको याद रहेगा। डैक इसके एंड में आता है रेवाड़ी के एंड में, लैक इसमें आता है कैथल में, रैक इसमें आता है यमुनानगर में, और पानीपत से याद रखना है आपने पानीपत। ओके, 1989 में
में 4 जिले बने हैं। नेक्स्ट है 1995 में एक जिला बना था पंचकुला, 1997 में दो बने थे फतेहाबाद और झज्जर, 2004-05 में एक जिला बना था नू जिसको पहले मेवात बोलते थे, 2008 में बना था एक जिसका नाम है पलवल, और 2016 में भी एक बना था तो आंसर आएगा चरखी दादरी जो किससे अलग हुआ था, भिवानी से अलग हुआ था। चरखी दादरी कब बना था, 2016 में। इस तरह हमारे हरियाणा में शुरू से लेकर अब तक टोटल कितने जिले बन गए, टोटल हमारे 22 जिले कवर हो चुके हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ ध्यान मत देना क्योंकि 1, 2, 3, 4 आपको कई बार लिखा हुआ मिलेगा, आप सिर्फ रिवाइज करते रहिए, यहाँ पे आपके लगभग 500 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, हरियाणा राज्य की स्थापना के समय हरियाणा में कितने जिले थे, तो स्थापना के समय हरियाणा में टोटल जिले कितने थे, अभी मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर 1966 में कितने थे, 7। अगला है वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं, 22। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन है, तो नए राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, इनसे पहले थे कप्तान सिंह सोलंकी। नेक्स्ट है सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में कहाँ पर है, गुरुग्राम में, और गुरुग्राम जिला कब बना था, 1 नवंबर 1966 को। कलेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये है यमुनानगर में, और यमुनानगर जिला कब बना था, 1989 में। ओके नेक्स्ट है हरियाणा का लोह पुरुष कौन कहलाता है, तो हरियाणा का लोह पुरुष कौन कहलाता है, चौधरी बंसीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की विधानसभा कहाँ पर है, तो हरियाणा की विधानसभा कहाँ है, चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, 1 नवंबर 1966 को। अगर ये क्वेश्चन आता है कि 1 नवंबर 1966 से पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, तो आपका आंसर होगा 6, और 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया क्योंकि हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हो गया, तो विवाद ये था कि चंडीगढ़ किसके पास जाएगा, पंजाब के पास जाएगा या हरियाणा के पास जाएगा, तो चंडीगढ़ दोनों की कॉमन राजधानी है लेकिन अधिकार कोई भी नहीं जता सकता क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है, चौधरी बंसीलाल। अगला है हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है, तो किस जिले में होता है, महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ जिला कब बना था, 1 नवंबर 1966 को। अगला है हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये है साक्षी मलिक। वर्तमान में हरियाणा में कितने मंडल है, जब हरियाणा बना था तो हरियाणा में 4 मंडल थे, करनाल और फरीदाबाद मंडल में नहीं था। वर्तमान में हरियाणा में 6 मंडल है, करनाल और फरीदाबाद भी मंडल में ऐड हो चुके हैं। ओके अब मैंने पीछे जितने भी जिले आपको कराए हैं कि कौन सा जिला कब बना है, मैंने सिर्फ ईयर बताए हैं, सभी जिलों की तारीख आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है, तो हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है, ब्लैक बक जिसको बोला जाता है काला हिरण। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो ये है काला तित्तर। ओके और अगर पूछे काला तित्तर पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा सिरसा। नेक्स्ट है सुनारिया जेल किस जिले में स्थित है, तो सुनारिया जेल किस जिले में है, ये हमारे हरियाणा के रोहतक में है। ओके और रोहतक जिला कब बना था, तो मुझे कमेंट करके बताइए, जितने क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ सारे मुझे कमेंट करिए। ओके नेक्स्ट है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचकुला। अगला है वीर बारा संरक्षण केंद्र, वन्यजीव अभयारण्य नहीं है ये, वीर बारा संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, जींद में है। अगला है हरियाणा राज्य में चमड़ा उद्योग किस जिले में है, तो चमड़ा उद्योग किस जिले में है, फरीदाबाद में, और फरीदाबाद जिला कब बना था, 1979 में। अगला है पेपर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है यमुना नगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में है, तो दमदमा झील किस जिले में है, गुरुग्राम में, और गुरुग्राम जिला कब बना था, 1966 में। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ था तो हमें कितने प्रतिशत हिस्सा मिला था पंजाब का, 35%। तो अगर पूछे कि पंजाब का कितने प्रतिशत हिस्सा मिला, तो 35%, और हरियाणा का कितना क्षेत्रफल है, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हरियाणा में पंचवटी मंदिर कहाँ पर है, तो पंचवटी कहाँ पर है, पलवल में, और पंचमुखी पूछे तो आंसर क्या आएगा, यमुना नगर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, तो हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, करनाल में। आगे कल्पना चावला के बारे में डिटेल भी बताऊंगी, तो वहाँ बताऊंगी कि इसमें करनाल में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो 17/3/1962 को कल्पना चावला का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है सोहना नगर किस कारण प्रसिद्ध है, तो सोहना नगर गर्म पानी के कुंड के कारण प्रसिद्ध है। सरस्वती वन्य जीव संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो सरस्वती वन्य जीव संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, कैथल में, और कैथल जिला कब बना था, 1989 में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है, तो कौन सा जिला है ये, महेंद्रगढ़। अब महेंद्रगढ़ एक तो ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा सरसों महेंद्रगढ़ में होती है, दूसरा याद रखना है सबसे ज़्यादा खनिज भी महेंद्रगढ़ में होते हैं,
तीसरा याद रखना है आपको कि महेंद्रगढ़ जिला कब बना था, 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट है बाबा रामदेव के गुरु कौन है, तो आचार्य बलदेव। नेक्स्ट है नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा किस जेल में हुई, तो ये हुई थी अंबाला सेंट्रल जेल में। बाबा इसमें एक अंतरिक्ष मिशन में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई, तो अंतरिक्ष मिशन में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी 1/2/3 में, मतलब 1 फरवरी 2003 में। माझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है, तो ये कैथल में है, जो 1989 को बना था। पीतल के बर्तन हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो ये है रेवाड़ी में, और रेवाड़ी भी 1989 में बना था। ओके, रेवाड़ी को बोला जाता है वीरों की भूमि और झज्जर को बोला जाता है शहीदों की भूमि। सबसे ज़्यादा पीतल के बर्तन बनते हैं रेवाड़ी में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले शुरू हुई, तो इसका आंसर है गुरुग्राम, और देश में पूछे तो आंसर आएगा कोलकाता। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है, तो हरियाणा के दो ऐसे स्थान है भिवानी और कैथल। इसमें लगभग स्टूडेंट्स को डाउट ही रहता है कि भिवानी दे या कैथल दे। देखो ऑप्शन के अंदर दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे कभी भी, तो इसका आंसर आप दोनों याद रखो, भिवानी भी और कैथल भी। कैथल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे नवग्रह कुंड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यही है कि नवग्रह कुंड कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा कैथल। महाराजा अगरसेन का संबंध किस नगर से है, तो ये है अग्रोहा। नेक्स्ट है नाहर सिंह स्टेडियम, जिसको मयूर स्टेडियम भी बोलते हैं, नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है, फरीदाबाद में है, जो 1979 को बना था फरीदाबाद। ओके, बार बार रिवाइज करा रही हूँ ताकि एंड तक आपको सभी जिलों की डे जो ईयर है वो याद हो जाए। नेक्स्ट है गोरैया पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, बहादुरगढ़ में। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि बहादुरगढ़ कहाँ पर है। अगला है ताजेवाला नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है, तो ताजेवाला किस जिले में है, तो ये आएगा यमुनानगर में। यमुनानगर कब बना था, 1989 को। बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ, तो महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ बना था 1 नवंबर 1966 को। सुल्तानपुर झील कहाँ पे है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जहाँ पर है झील भी वहीं पे होगी, तो फरुख नगर गुरुग्राम में, गुरुग्राम भी 1 नवंबर 1966 को बना था। मशहूर गायक सोनू निगम किस जिले से है, तो ये किस जिले से है, फरीदाबाद में। फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील कहाँ है, तो बड़खल झील कहाँ पर है, फरीदाबाद में, और दमदमा पूछे तो आंसर क्या आएगा, गुरुग्राम में। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको 3 से 4 पार्ट में करवाए थे, और लगभग इसमें से हरियाणा ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था लगभग 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तक पूछे गए थे। और यहाँ पे आपका जो कॉन्स्टेबल का एग्जाम है या एस्टेट का एग्जाम है, उम्मीद है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। नेक्स्ट है साइना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ, तो हिसार में हुआ था साइना नेहवाल का जन्म। और हिसार जिला कब बना था, जब हमारा हरियाणा अलग हुआ था उस टाइम पे जिले के रूप में हिसार था हमारे पास, 1 नवंबर 1966 को, और हिसार को स्टील सिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है परिणीति चोपड़ा का जन्म किस जिले में हुआ, तो इसका आंसर होगा अंबाला। नेक्स्ट है सरस्वती चीनी मिल कहाँ पर है, तो सरस्वती शुगर मिल एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है, ये कहाँ पर है, यमुनानगर में। यमुनानगर 1989 को बना था। लाला लाजपत राय का संबंध किस जिले से है, तो ये हिसार से है। शीतला माता का मंदिर कहाँ है, तो शीतला माता का मंदिर हरियाणा के गुरुग्राम में है। हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है, राज्यपाल। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई, तो आंसर हो जाएगा 1556। आगे मैं डिटेल में कराऊंगी आपको युद्ध, तो वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो राजकीय वृक्ष कौन सा है, पिपल, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, फिकल रैली गोसा। दोबारा से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन ताकि आप लोगों के माइंड में ये सेट हो जाए और आप इसको भूलो ना। ओके, नेक्स्ट है नर नारायण गुफा कहाँ पर है, तो नर नारायण गुफा हरियाणा के यमुनानगर में है, जिसको पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है, और यमुनानगर 1989 को बना था। प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है, जींद में। हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं, 10। मोरनी हिल्स कहाँ पर स्थित है, तो मोरनी हिल्स कहाँ पर है, पंचकुला में, और पंचकुला जिला बना था 1995 को। कोटला हिल्स कहाँ पर है, तो कोटला हिल्स है मेवात में, जिसका नया नाम क्या है, नू। सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ पर है, मेवात में। ओके, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई, अभी पीछे क्वेश्चन आया था दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई, 1556 में, पहली लड़ाई कब लड़ी गई, 1526 में। ब्लूबर्ड झील कहाँ पर है, तो ब्लूबर्ड झील हरियाणा के हिसार जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में है, तो ये कुरुक्षेत्र में है, इसको भोरसेंदा भी बोलते हैं।
के यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये भी कुरुक्षेत्र में है, जो 1973 को बना था कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी थी हरियाणा बनने से 10 साल पहले 1956 में। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा KU यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। बनी कब थी? हरियाणा बनने से 10 साल पहले 1956 में। नींव किसने रखी थी? हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ओके, नेक्स्ट है बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। और यमुनानगर जिला कब बना था? 1989 में। वीडियो के एंड तक आप खुद बोलोगे कि आपको बहुत कुछ याद हो गया, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन बार बार जो डेट है वो रिवाइज करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ओके, अब आपका काम सिर्फ इतना है कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली रेलवे लाइन किस किस के बीच बिछी थी? तो ये बिछी थी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की राजधानी भी दिल्ली है। दिल्ली के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल है, और LG जो है वो है अनिल बैजल। ओके, रेवाड़ी, रेवाड़ी को पित्तल नगरी बोला जाता है, रेवाड़ी 1989 में बना था। नेक्स्ट है, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को जाल में किस जगह फंसाया गया था? तो ये किस जगह फंसाया गया था? कुरुक्षेत्र में एक जगह है अमीन, वहाँ पे फंसाया गया था, और कुरुक्षेत्र से ये 6 से 8 किलोमीटर दूर है। ओके, नेक्स्ट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोस कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? हिसार में। यमुना नदी से पश्चिमी यमुना कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है ताजेवाला से। ओके, ताजेवाला कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और यमुनानगर कब बना था? 1989 को। किस महिला पर्वतरोही ने 2 बार एवरेस्ट फतेह की? तो ये कौन है? संतोष यादव। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले में है? तो राखीगढ़ी हिसार में है। हरियाणा के किस राज्य को नवग्रह कुंडों की उपस्थिति के कारण छोटी काशी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन दोबारा आया है, किसे कहा जाता है? कैथल को। अगला क्वेश्चन है, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो सबसे बाद में कौन सा जिला गठित हुआ है? सरखी दादरी। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? तो अभी मैंने पीछे रिवाइज भी कराया आपको, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा मेला शिल्पकारों का कुंभ के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सा है? सूरज कुंड का मेला, जो कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद कब जिला बना था? 1979 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये आपने ऑप्शंस के हिसाब से देखना है। पहली फिल्म कईयों के हिसाब से तो जाट झुलानी वाला, कईयों के हिसाब से धरती, और कईयों के हिसाब से चंद्रावल है। लेकिन हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म धरती है, और हिट फिल्म चंद्रावल है। ओके, तो ऑप्शन में जिस हिसाब से भी आपको ऑप्शन मिले, आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना, दोनों ऑप्शन एक साथ आप लोगों को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है, बूदो माता का मेला कहाँ लगता है? तो बूदो माता का मेला लगता है फरूखनगर गुरुग्राम में। सती का मेला कहाँ लगता है? तो सती का मेला लगता है भिवानी में। और भिवानी जो है वो जिला कब बना था? तो भिवानी और सोनीपत एक साथ बने थे 1972 में। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है रोहतक में, जहाँ पर हमारे हरियाणा का पहला कॉलेज है। अगला है, बैसाखी पर्व किस समूह की फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है रबी की फसल पकने की खुशी में, हर साल 13 अप्रैल को। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में। पानीपत बना था 1989 को। चरखी दादरी जिला कब बना था? तो इसकी भी दो डेट है, 18/9/2016 को तो इसकी घोषणा हुई थी, और 16/11/2016 को चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर 22वां जिला बन गया। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो ये थे उदयभान हंस। हथनी कुंड किस जिले में है? तो हथनी कुंड कहाँ पर है? यमुनानगर में, पेपर सिटी, जो पेपर सिटी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, हथनी कुंड को मछियारों के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादवेंद्र पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो यादवेंद्र पर्यटन स्थल पिंजौर में है, जिसको पिंजौर गार्डन भी बोलते हैं। पिंजौर कहाँ पर है? पंचकुला में। नेक्स्ट है, हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना देश में हुई थी 1885 में, और अंबाला में कब हुई थी? 1886 में। लेके कौन आया था? राय बहादुर लाला मुरलीधर। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो मोरनी हिल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन से जिले में खोला गया था? तो अभी मैंने आपको बताया था रोहतक में। पहली यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी? कुरुक्षेत्र में, KU यूनिवर्सिटी। सूरज कुंड का मेला कितने दिनों तक लगता है? तो कितने दिनों तक लगता है? 15 दिनों तक, 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक। हरियाणा का केसरी किसे कहा जाता है? तो पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा का जो पहला कॉलेज था वो भी पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज था, जो रोहतक में बना था 1926 को। हरियाणा के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? सिरसा।
नेक्स्ट है, थानेश्वर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की। थानेश्वर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस स्थान पर सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बनते हैं? तो इसका आंसर होगा फरीदाबाद। और हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? खंडवा। अब जिन्होंने ग्रुप डी का पेपर दिया है, वीडियो को सुनने से ही पता चल गया होगा आपको कि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमन शाह मेला कहाँ लगता है? तो भूमन शाह मेला लगता है सिरसा में। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल NCR के अंतर्गत आता है? NCR की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन का मतलब है दिल्ली के आसपास हरियाणा का कितना क्षेत्रफल आता है? तो आंसर आएगा 57%। ओके, पहले भी 57 था, अभी भी 57 है। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? तो ये रेवाड़ी का रहने वाला था। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो बहुधान्य नाम से जाना जाता था। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चरखी दादरी। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आएगा रेवाड़ी। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनवाली किस जिले में आता है? राखीगढ़ी आया था अभी पीछे, वो हिसार में है। बनवाली कहाँ पर है? फतेहाबाद में। और फतेहाबाद जिला कब बना था? फतेहाबाद और झज्जर एक साथ बने थे 1997 में। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। किंग फिशर पर्यटन स्थल किस शहर में है? तो ये अम्बाला में है। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो कुरुक्षेत्र में लगता है। गुलाम शाशिका रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर है उनकी कब्र? कैथल में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? तो सिरसा में है, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है, जो 1975 को बना था। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 1967 में। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किसके बीच हुआ? मैंने इसमें गलती से वो लिख दिया, ईयर लिख दिया है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें जीता कौन था? अकबर जीता था। अकबर की तरफ से युद्ध किसने किया था? बैरम खान ने। तो 1556 में हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये बन रहा है फतेहाबाद में। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो ये सीही में है, और सीही कहाँ पर है? फरीदाबाद में। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 1.34%। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये है मुर्रा, और मुर्रा को हरियाणा में काला सोना भी बोला जाता है। सिंधु सभ्यता का केंद्र मिताथल किस जिले में है? तो ये किस में है? भिवानी में। भिवानी जिला कब बना था? मुझे कमेंट करके बताइए। भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है? ये पीछे पेपर में आया भी हुआ है, भीमा देवी मंदिर है पिंजौर में, और पिंजौर कहाँ पर है? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने पुलिस जिले हो गए हैं? तो हरियाणा में टोटल पुलिस जिले कितने हैं? 24। पहले 22 के 22 जो जिले हैं वो तो पुलिस जिले है ही है। उसके बाद दो जिले और कौन से हैं? हांसी, हांसी जिला नहीं है लेकिन फिर भी पुलिस जिले में आता है। उसके बाद एक और कौन सा है? मानेसर। तो अगर पूछे कि हरियाणा का 23वां पुलिस जिला कौन सा है, तो आपने आंसर देना है हांसी, और 24वां कौन सा है? मानेसर। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने ऐसे पुलिस जिले हैं जो जिले नहीं है? तो आपको पता भी चल गया कि दो ऐसे पुलिस जिले हैं जो जिले नहीं है, क्योंकि हरियाणा में टोटल 22 ही जिले हैं, तो इसका आंसर होगा 2। 32वां सूरजकुंड का मेला कब से कब तक चला? सूरजकुंड का मेला हमेशा 1 से 15 फरवरी तक लगता है, लेकिन 32वां जो है वो 2 से 18 फरवरी तक लगा था। नेक्स्ट है, NCR नेशनल कैपिटल रीजन में हरियाणा के कितने जिले आते हैं? पहले तो ये था कितना प्रतिशत आता है, तो 57% आता है। जिले कितने आते हैं? तो जिले पहले 13 आते थे, अब कितने आते हैं? 14। क्यों 14 हो गया? क्योंकि भिवानी से चरखी दादरी अलग हो गया, तो जिलों की संख्या कितनी होगी? बढ़ गई, तो जिलों की संख्या है 14। लेकिन प्रतिशत पूछे तो पहले भी 57 था, अभी भी 57 है। अगला क्वेश्चन है, NCR में इंडिया के कितने जिले आते हैं? तो इंडिया के आते हैं टोटल 24। 24 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? वो इसमें दो और जोड़े गए थे, चरखी दादरी और शामली। जैसे अपने यहाँ पे चरखी दादरी बना था, वैसे ही शामली भी बना था उत्तर प्रदेश में। तो यूपी के कितने जिले आते हैं NCR में? 8। और हरियाणा के कितने आते हैं? 14। और राजस्थान के कितने आते हैं? 2। तो NCR में इंडिया के टोटल जिले कितने आते हैं? 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद से मैंने अभी बताया कि फरीदाबाद जिला कब बना था? 1979 में। हरियाणा में दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ यूनिवर्सिटी का पहले नाम क्या था? कल्पना चावला हेल्थ यूनिवर्सिटी। ओके, तो करनाल में है ये। कल्पना चावला हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया है, उसका नाम बदल के रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा तितली पार्क
तितली पार्क कहाँ पे बन रहा है सबसे बड़ा, तो ये बन रहा है गुरुग्राम में। अगर पूछे देश का सबसे बड़ा तितली पार्क अभी तक कहाँ पर है, तो अपने आंसर दे देना बेंगलोर में। और भारत का सबसे बड़ा अभी तो वो बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरुग्राम। ऑप्शन में देख लेना कि ऑप्शन के अंदर जिले दे रखे हैं या ऑप्शन के अंदर आपको कैपिटल्स दे रखी है। ओके, जैसे बेंगलोर, पणजी ऐसा कुछ हो तो बेंगलोर लगा देना, लेकिन अगर ऑप्शन में जिले दे रखे हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से गुजरने वाले NH1 का नया नाम क्या रखा गया है। अब नेशनल हाईवे का टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है, जो ऑलरेडी चैनल पे करवाया गया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कौन सा हाईवे कहाँ से कहाँ तक जाता है और किसका नया नाम क्या है, ओके, तो वो वीडियो आप लोग देख लेना। तो इसका नाम है NH44, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, पहले सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा था, NH7, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिलों की सीमा किसी दूसरे राज्यों से नहीं लगती। हरियाणा की जो सीमा है टोटल कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है, लेकिन हरियाणा के कितने ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से नहीं लगती, तो इसका आंसर होगा 2। वो 2 जिले कौन कौन से हैं, एक तो है रोहतक और एक है चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है, तो किस नगर के समीप है, जींद। शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय कहाँ पर है, तो ये है पानीपत में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के बांगड़ क्षेत्र में होली त्यौहार पर कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लूर नृत्य। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो आंसर आएगा पानीपत का तीसरा युद्ध, जो 1761 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली प्रसिद्ध रचना किसके द्वारा रचित गई है, तो इसका आंसर आएगा हर्षवर्धन। काला तित्तर पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो सिरसा। सिरसा के अंदर हमारा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य अबूब शहर है, अबूब शहर के अंदर ही काला तित्तर पाया जाता है, तो काला तित्तर पर्यटन स्थल कहाँ पर है, सिरसा में, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक लोहे की पाइपों का निर्माण होता है, तो इसका आंसर होगा हिसार। हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है और जिंदल स्टील वर्कर्स भी वहीं पर है, तो हिसार में सबसे ज़्यादा लोहे की पाइपों का निर्माण होता है। चवेन ऋषि की याद में मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ठोसी पहाड़ियों पर। जो चवेन प्रास है वो चवेन ऋषि ने बनाया था, और इनकी याद में जो मेला आयोजित किया जाता है वो महेंद्रगढ़ में, और ठोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। अगला है, अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, फरीदाबाद में। फरीदाबाद 1979 को जिला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला ओढ़ हमारी जज्जा मुंडला बैठी गीत कब गाया जाता है, तो ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। हरियाणा में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर होगा मेवात, जिसका अब नाम क्या है, नू। और सबसे अधिक पूछे तो गुरुग्राम, इसी का उल्टा कर दो लिंग अनुपात। हरियाणा में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पर है, मेवात में, और सबसे कम कहाँ पर है, गुरुग्राम में। कडुल्ला आभूषण महिलाएं किस अंग पर पहनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाजू पर। नेक्स्ट है, कोस मीनार किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये बनवाया गया था शेर शाह सूरी, इन्होंने GT रोड का भी निर्माण करवाया था, ओके। सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये किस जिले में लगता है। खिलाड़ी राम मेहरा का संबंध किस खेल से है, तो ये किस खेल से है, कबड्डी से। चंद्रकूप मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था युधिष्ठर के द्वारा। युधिष्ठर कौन था, पांडव था, ओके। और पांडवों की राजधानी का नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। और कौरवों की राजधानी का नाम क्या था, हस्तिनापुर। नेक्स्ट है, सुल्तान फिल्म में एक हरियाणवी पहलवान के रूप में भूमिका किसने निभाई, तो ये किसने निभाई थी, सलमान खान ने। बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है, तो ये झज्जर में है। सदा बहने वाली नदी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और वीडियो को जितना हो सके जिन जिन का भी पेपर है, HTET का, हरियाणा पुलिस का, या किसी भी और चीज़ का, वहाँ तक ये वीडियो आप लोग पहुँचा देना। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने मंडल हैं, तो वर्तमान में हरियाणा में टोटल 6 मंडल है, पहले कितने थे, 4। पहले कौन से नहीं थे, करनाल और फरीदाबाद नहीं था। सबसे ज़्यादा आम हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आया था कि सबसे ज़्यादा आम कहाँ पर होते हैं, तो अंबाला में। अंबाला जिला कब बना था, 1 नवंबर 1966 में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए कि आम का मेला कहाँ पर लगता है, तो इसका आंसर होगा पिंजौर गार्डन, जो कहाँ पर है, पंचकुला में। मेला पूछे तो आंसर देना है आपने पिंजौर, और आम कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा, तो आपने आंसर देना है अंबाला। किसके उत्पादन में हरियाणा
हरियाणा का प्रथम स्थान है तो ये आएगा मशरूम। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया था। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मशरूम कहाँ होता है, तो सोनीपत में होता है। और सोनीपत जिला कब बना था, 1972 को। मेवात का नया नाम क्या है, तो मेवात का नया नाम है नू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ओल्ड नाम है और कुछ न्यू नाम है, जैसे गुड़गांव का नाम क्या है, गुरुग्राम। मेवात का नाम क्या है, नू। मुस्तफाबाद जो क्वेश्चन पेपर में आया था उसका नया नाम क्या है, सरस्वती नगर। और बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है, बलरामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, तो पीछे से रिवाइज कराते हुए आ रही हूँ मैं ताकि आगे आपको क्वेश्चन अपने आप याद आ जाए, तो कौन सा है, सिरसा, जो कब बना था, 1975 में। राजीव गांधी के नाम से तीन चार चीज़ें पूछी जाती है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ पर है, सोनीपत में। और सोनीपत में कहाँ पर, कुंडली में। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ पर है, रोहतक में। और राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है, हिसार में। ओके, इसी तरीके से नेहरू पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर है, तो आंसर आएगा सोनीपत। सोनीपत में कहाँ पर है, राई में। नेहरू सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। सोनीपत कब बना था, 1972 में। महेंद्रगढ़ कब बना था, 1 नवंबर 1966 में। और नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम भी 1 नवंबर 1966 को बन गया था। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे छोटू राम के नाम से। छोटू राम के नाम से भी एक दो तीन चीज़ें पूछी जाती है कि सर छोटू राम का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था गढ़ी सांपला में। गढ़ी सांपला कहाँ पर है, रोहतक के अंदर। अब उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, सर छोटू राम नगर रख दिया है। सर छोटू राम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, मुरथल में। मुरथल कहाँ पर है, सोनीपत में। कब बनी थी ये यूनिवर्सिटी, 1987 में। ओके, नेक्स्ट है सर छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, यमुनानगर में। ये कब बनी थी, 2008 में। यमुनानगर कब बना था, 1989 में। और सोनीपत कब बना था, 1972 में। ओके, जितने क्वेश्चन बता रही हूँ साथ साथ में आप लोग याद करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवसर पर कोथली उपहार दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा तीज। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था, तो चंडीगढ़ का वास्तुकार था ली कार्बूजिए। ली कार्बूजिए कहाँ का निवासी था, तो इसका आंसर होगा फ्रांस। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था, तो इसका आंसर होगा नाहर सिंह। तीज का त्यौहार किस महीने में आता है, तो तीज का त्यौहार आता है सावन के महीने में। कन्नौर का किला किस नगर में स्थित है, तो किस नगर में है, महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है, बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत। बापोली आता है पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी नाटक सांझा सिर किसकी रचना है, तो ये है रामफल चहल की। गरोंडा किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर होगा करनाल। करनाल का जब भी नाम आए आपको इतना याद होना चाहिए कि करण की झील और करण का पार्क कहाँ पर है, करनाल में। सबसे ज़्यादा घोड़े कहाँ पर है, करनाल में। हरियाणा का पेरिस किसे बोला जाता है, करनाल को। धान का कटोरा किसे बोला जाता है, करनाल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनकरों के शहर के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो आंसर आएगा पानीपत। पानीपत को बुनकरों का शहर और लड़ाइयों का मैदान के रूप में जाना जाता है। पैरकिट पर्यटन स्थल किस नगर में है, तो कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम में। और वैसे सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, सिरसा में। चौधरी छोटू राम का जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो गढ़ी सांपला में, जिसका नाम अब रख के बदल के क्या कर दिया, सर छोटू राम नगर। दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो सोनीपत में। चौधरी छोटू राम रोहतक से किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन करते थे, तो इसका आंसर होगा जाट गजट। जाट गजट का संपादन करते थे। नेक्स्ट है, सर छोटू राम ने अपनी पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की, तो इसका आंसर होगा, अगर पूछे कि ग्रेजुएशन कहाँ से करी, तो आंसर आ जाएगा दिल्ली। और अगर आए कि वकालत की पढ़ाई कहाँ से की, तो आंसर आएगा आपका आगरा। नेक्स्ट है, कौन सा शहर मुक्केबाजी की महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भिवानी। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर है, तो ये दिल्ली से जयपुर। शास्त्रीय संगीत उस्ताद पंडित जसराज कहाँ पैदा हुए थे, तो ये हुए थे हिसार में। हरियाणवी मुहावरा चिल्लम भरना का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है खुशामद करना। होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपकी रिवीजन अच्छी हो रही होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चन याद होंगे। जो क्वेश्चन नहीं याद है उनको बार बार रिवाइज करिए, मेरे साथ रिवाइज करिए, कमेंट करके बताइए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में किसे किंग मेकर ताऊ और जन नायक कहा जाता है, तो कौन है हरियाणा में, चौधरी देवीलाल।
चौधरी देवीलाल एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो देश में उप प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंचे थे। तो याद रखना है, चौधरी देवीलाल का जन्म किस गांव में हुआ था, तो ये हुआ था तेजाखेड़ा। और तेजाखेड़ा कहां पर है, सिरसा में। सिरसा जिला कब बना था, 1975 में। किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इसका आंसर आएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो इसका आंसर होगा यूपी। यूपी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो हमारे हरियाणा के अंबाला में हुआ था। जब भी अंबाला का नाम आए, आपको याद आना चाहिए कि अंबाला में सबसे ज्यादा आम होते हैं और वैज्ञानिक नगरी और मिक्सी सिटी के नाम से अंबाला को जाना जाता है। हाल ही पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है उर्दू के क्षेत्र में। उर्दू के क्षेत्र में हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार हाल ही पुरस्कार है। अल्ताफ हुसैन अली हरियाणा में कहाँ से है, ये हाल ही होगा यहाँ पे। अल्ताफ हुसैन अली हरियाणा में कहाँ से है, तो ये पानीपत से है। पानीपत जिला कब बना था, 1989 में। अल्ताफ हुसैन अली के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर के अंदर, आपको यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, 1904 में सरकार ने अल्ताफ हुसैन अली को कौन सी उपाधि दी थी, तो वो दी थी शमशुर उलेमा। तो अल्ताफ हुसैन हाली पे आपको तीन क्वेश्चन याद रखने हैं कि उन्हीं के नाम पर हाली पुरस्कार का नाम रखा गया जो उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के बहुत अच्छे कवि मान लो या मुशायरा मान लो, बहुत अच्छे मुशायरा थे। और इनका जन्म हुआ था पानीपत में। 1904 में सरकार ने अल्ताफ हुसैन अली को कौन सी उपाधि दी, शमशुल उलेमा। नेक्स्ट है, अगली जो पर्सनैलिटी है वो है हमारे पास कल्पना चावला। कल्पना चावला से कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ, तो कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल में। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कल्पना चावला का जन्म कब हुआ, तो उसका जन्म कब हुआ था, 17/3/1962। ओके, 17/3/1962। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपको याद रखना है 1/7/1961 कि कल्पना चावला का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961। 1 जुलाई 1961 उनकी DMC के अंदर है, लेकिन 17/3/1962 ये उनकी रियल डेट ऑफ बर्थ है। दोनों में से एक आपको ऑप्शन के अंदर मिल जाएगी, वही आपने टिक करके आना है। नेक्स्ट है कोलंबिया। पहला क्वेश्चन जो कल्पना चावला पे बनेगा वो मैंने बता दिया। पहली बार कल्पना चावला अंतरिक्ष में कब गई थी, तो ये गई थी 1997 में। किसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से। अगला क्वेश्चन है कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ, तो जिस विमान में कल्पना चावला आ रही थी, मतलब कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, 1 फरवरी 2003 को। तो कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त भी कब हुआ था, 1 फरवरी 2003 को। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी महिला में, तो वो कल्पना चावला ही थी। राय बहादुर लाला मुरलीधर हरियाणा में कहाँ से है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा में कहाँ पर आई थी, अंबाला में। लेके कौन आया था, राय बहादुर लाला मुरलीधर, वो हरियाणा में कहाँ से है, पलवल से। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला सत्याग्रही कौन था, तो हरियाणा का पहला सत्याग्रही था राय बहादुर लाला मुरलीधर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885। अगर क्वेश्चन आए कि कांग्रेस डे कब आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 28 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस में 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में कौन लेके आया था, राय बहादुर लाला मुरलीधर। नेक्स्ट है संतोष यादव, राय बहादुर लाला मुरलीधर पे, कल्पना चावला के ऊपर, देवीलाल पे, जितने क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे लिख दिए यहाँ पे। संतोष यादव हरियाणा में कहाँ से हैं, तो आंसर आएगा रेवाड़ी। रेवाड़ी को किसकी भूमि बोला जाता है, वीरों की भूमि बोला जाता है। रेवाड़ी जिला कब बना था, 1989 को। आप लोग देख पा रहे हो ये सारे के सारे जो मैंने पहले पेंसिल से लिखे थे, कुछ बच्चों को देखने में प्रॉब्लम आ रही थी, सारे क्वेश्चनों के आंसर मैंने दोबारा लिखे हैं। तो प्लीज़ मैंने बहुत मेहनत करी है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके, नेक्स्ट है भारत सरकार ने संतोष यादव को पद्मश्री की उपाधि कब दी थी, तो संतोष यादव हरियाणा में कहाँ से है, रेवाड़ी से है, और भारत सरकार ने संतोष यादव को पद्मश्री की उपाधि कब दी, 2000 में। अगला क्वेश्चन है अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर है, तो अर्जुन स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा जींद में। ओके, तो इसको याद कर सकते हो कि अर्जुन क्या था, वीर था, और वीर लोग कभी मरते नहीं हैं, हमेशा जिंदा रहते हैं, तो जींद याद रख लो वहाँ से। जींद जिला कब बना था, 1966 में। हरियाणा राज्य खेल परिषद कहाँ पर है, तो हरियाणा में खेल खेलना क्या है, बिल्कुल फ्री है, तो फ्री से याद रख लो फरीदाबाद। फरीदाबाद बना था 1979 में। गुरु द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम कहाँ पर है, तो गुरु द्रोणाचार्य ये युद्ध वगैरह कहाँ हुए थे, कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र में है गुरु द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम। और कुरुक्षेत्र कब बना था, 1973 में। हुड्डा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्टेडियम कहाँ पर है, पंचकुला में। 1995 में बना था पंचकुला।
बिल्ट फुटबॉल खेल स्टेडियम कहाँ पर है? यमुनानगर में, जो 1989 को बना था, यमुनानगर। महावीर स्टेडियम कहाँ पर है? तो महावीर स्टेडियम है हिसार में, हिसार बना था 1966 में। शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम कहाँ पर है? सिरसा में, और सिरसा बना था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? तो फरुखनगर में है, फरुखनगर गुरुग्राम में। दमदमा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में। खलीलपुर झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में। सोहना कुंड झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कोटला झील कहाँ पर है? मेवात में। उजीना झील भी मेवात में ही है, और चंदेली झील भी मेवात में है। मेवात का नया नाम क्या है? नू। बड़खल झील कहाँ पर है? पीछे कराया था, फरीदाबाद में। सूरज कुंड झील कहाँ पर है? सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। तो सूरज कुंड झील भी कहाँ पर है? फरीदाबाद में। करण झील कहाँ पर है? करण की झील कहाँ है? करनाल में। करण का किला और टीला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। करण का तालाब है रोहतक में, और करण का पार्क भी है करनाल में। सारा कुछ याद रखना है। तिलियार झील कहाँ पर है? तो तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक में। भिंडावास झील कहाँ पर है? झज्जर में, जिसको शहीदों की भूमि बोला जाता है। ब्लूबर्ड झील कहाँ पर है? हिसार में। और टिक्करताल झील कहाँ पर है? पंचकुला में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ झीलें थी, ये भी आपने एक बार रिवाइज कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कुछ प्रमुख मजार और दरगाह हैं। तो पहली है पीर नोगजा। पीर नोगजा कहाँ पर है? अंबाला में। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर विश मांग के लोग क्या चढ़ाते हैं? घड़ी चढ़ाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा के किस दरगाह पर घड़ी चढ़ाई जाती है, तो आंसर आएगा अंबाला में, जो पीर नोगजा है उस पर। शेख चिली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर में। थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अल्ताफ हुसैन हाली कहाँ से है? पानीपत से, और पानीपत को बोला जाता है बुनकरों का शहर। बू अली शाह कलंदर, ये भी कहाँ पर है? पानीपत में। शेख अनाम अल्लाह की मजार, ये भी कहाँ पर है? पानीपत में। गौस अली शाह की मजार पानीपत में। पीर जमाल की मजार कहाँ पर है? गोहाना सोनीपत में। मामू भांजे की मजार भी कहाँ पर है? सोनीपत में। नेक्स्ट है, पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ पर है? चरखी दादरी में। शेख जुनैद की मजार हिसार में। चार कुतुब की दरगाह कहाँ पर है? हांसी में। पांच पीर की दरगाह कहाँ पर है? करनाल में। और बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ पर है? कैथल में। चार की पूछे तो हांसी आंसर देना, पांच पीर की दरगाह पूछे तो आंसर आ जाएगा आपका करनाल। ओके, नेक्स्ट है, हरियाणा के युद्ध। यहाँ से पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, ग्रुप डी का पेपर दिया है। अगर वो स्टूडेंट मेरी वीडियो सुन रही हो तो आप मुझे बता सकती हो कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आए थे या नहीं आए थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा युद्ध में से, कि तराइन के दो युद्ध हुए थे। तराइन जो है वो कहाँ पर है? करनाल में। तराइन को तरावड़ी भी बोला जाता है। ओके, एसआई के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में। पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। दूसरा भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। पहले युद्ध में विनर कौन था? पृथ्वीराज चौहान। उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ किसने दिया था? राजा जयचंद ने दिया था। और उसके बाद युद्ध जीतने के बाद जब पृथ्वीराज चौहान पार्टी कर रहा था, तो उसने राजा जयचंद को भी इनवाइट किया था, और वहाँ पर उसकी बेटी संयोगिता भी आ गई। ठीक है, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने उसकी बेटी से मैरिज कर ली, जो पृथ्वीराज चौहान के नाना और राजा जयचंद को पसंद नहीं था। तो उसके बाद मोहम्मद गोरी ने जब दोबारा अटैक किया, तब राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे वो उनके साथ नहीं थे, और इसलिए पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए थे, क्योंकि इस टाइम पर राजा जयचंद ने किसका साथ दिया था? मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। और कई बुक में मान्यता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को यही मार दिया था। कई बुक्स में ये लिखा गया है कि वो उसको अपने साथ बंदी बना के ले गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वैसे इतना याद रखना कि तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा युद्ध 1192 में। पहले में कौन विनर था, दूसरे में कौन विनर था? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी। तो ये क्वेश्चन तो आया भी हुआ है, ये चंद्र बरदाई ने लिखी थी। और चंद्र बरदाई कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ और किसने दिया? तो एक और बंदा भी था जिसने उसका साथ दिया, वो बंदा था गोविंद राय। तो तराइन के युद्ध से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम पानीपत के युद्ध। पानीपत के टोटल कितने युद्ध हुए थे? पानीपत के तीन युद्ध हुए थे। पानीपत को लड़ाइयों का मैदान बोला जाता है। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। ओके, पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, लेकिन बाबर की सेना बहुत छोटी थी, इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, फिर भी बाबर जीत गया।
क्यों बाबर जीता? क्योंकि बाबर ने ये युद्ध किसकी सहायता से किया था? तोपों की सहायता से किया था। ओके, जब बाबर ये युद्ध जीत गया तो इसी खुशी के अंदर उसने क्या बनवाया था? काबुली बाग। तो क्वेश्चन आता है कि काबुली बाग मस्जिद जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण कराया था बाबर ने। और ये काबुली बाग मस्जिद है कहाँ पर? पानीपत में। अब इब्राहिम लोधी हार गया था तो इब्राहिम लोधी का क्या बन गया? मकबरा। तो इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में। और पानीपत कब बना था? 1989 में। ठीक है, तो पहले युद्ध से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, हेमू का पूरा नाम क्या है? हेमचंद। और हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली हुई है। और हेमू कहाँ का निवासी है? रेवाड़ी का। ओके, नेक्स्ट है, अकबर की ओर से ये युद्ध लड़ा किसने था? क्योंकि अकबर उस टाइम पर 14 ही साल का था तो वो तो युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन नाम तो राजा का ही आता है। अकबर की तरफ से युद्ध किसने किया था? बैरम खान ने किया था। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से सुनना। 1 से 2 बार वीडियो को सुनोगे आपको आधे 90% हरियाणा के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। किसके बीच हुआ था ये? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और इसमें जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अब मराठों की तरफ से युद्ध लड़ा किसने था? तो ये लड़ा था सदाशिव राव भाऊ ने। ओके, पानीपत के तीसरे युद्ध में किस शक्ति का भारत से पतन हो गया? तो इसका आंसर आएगा मराठा शक्ति का। पानीपत का तीसरा युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो ये आएगा कालाअंब। तो कई बार ये पूछ सकते हैं कि कालाअंब कहाँ पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए पानीपत। ओके, पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 किसके बीच में हुआ, कौन विनर था, सारा कुछ आपने पढ़ के जाना है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट युद्ध है करनाल का युद्ध। करनाल का एक युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1739 में। किस लिए हुआ था करनाल का युद्ध? करनाल का युद्ध किसके बीच हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था। नादिर शाह के पास क्या था? नादिर शाह के पास तख्ते ताऊस था। तख्ते ताऊस का मतलब होता है एक सिंहासन का नाम था। उस सिंहासन का नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि उस सिंहासन का नाम क्या था, उसको तख्ते ताऊस भी बोलते हैं। ओके, तो ये युद्ध किसके बीच हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। सॉरी, नादिर शाह के पास नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला के पास था। ओके, जो ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह, वो आया और मोहम्मद शाह रंगीला के साथ युद्ध हुआ ही नहीं था, उसने आके सीधा अटैक किया और अटैक करके बंदी बना लिया। और बंदी बनाया किस लिए था? क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के पास क्या था? वर्ल्ड फेमस चीजें क्या थी? कोहिनूर और तख्ते ताऊस। एक सिंहासन का नाम है, उस सिंहासन के अंदर कोहिनूर लगा हुआ था, वो कोहिनूर लेने के लिए आया था नादिर शाह। तो ईरान का नेपोलियन पूछे तो आंसर आएगा नादिर शाह, भारत का नेपोलियन पूछे तो समुद्रगुप्त। और करनाल का ये युद्ध जीता किसने था? तो आंसर आएगा नादिर शाह ने, वो कोहिनूर लेके चला गया। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, सारे युद्ध याद होने चाहिए, तराइन का युद्ध, करनाल का युद्ध और पानीपत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध जो महाभारत है उसके लिए एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग चैनल पर जाके महाभारत और रामायण दोनों की वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट है, हरियाणा के विश्वविद्यालय। तो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय आपको याद रखना है योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कहाँ पर है? पंचकुला में। पंचकुला जिला कब बना था? अब तक तो आपको याद हो गया होगा, कमेंट करके बताइए मुझे। आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। KUK यूनिवर्सिटी जो 1956 में बनी थी ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, इसका नाम चेंज हो गया है, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, तो ये कहाँ पर है? करनाल में। महाराणा प्रताप बागवानी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? करनाल के अंजनथाली में। डी क्रस्ट जिसको बोला जाता है दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तो अभी पीछे कराया था, आंसर आ जाएगा सोनीपत मुरथल में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का सबसे बड़ा महिलाओं की यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर है? सोनीपत गोहाना में। सोनीपत को एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटी है सारी की सारी सोनीपत के अंदर ही है। ओके, और ये कब बनी थी? ये 2006 में बनी थी, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। अगला है IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये भी कहाँ पर है? सोनीपत में। MDU यूनिवर्सिटी जो 1976 में बनी थी ये कहाँ पर है? रोहतक में। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सिरसा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद बना था 1979 में। INDU इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये गुरुग्राम में है। शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज, ये मेवात में है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मीरपुर। मीरपुर कहाँ पर है? रेवाड़ी में। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में है। ब्रैकेट में जो दे रखे हैं ये जिलों के सन है जिसमें वो बने थे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हिसार में। GJU कहाँ पर है? हिसार में। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय भी हिसार में है। और चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय भी कहाँ है? ये जींद में है। और जींद की सीमा, एक लौता ऐसा जिला है जिसकी सीमा 7 जिलों से लगती है। याद रखना, क्वेश्चन आए कि हरियाणा के किस जिले की सीमा 7 जिलों से लगती है, तो आंसर आएगा आपका जींद। और बीर बारा संरक्षण केंद्र भी कहाँ पर है? जींद में। और सरस्वती संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? कैथल में। नेक्स्ट है हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? पलवल में। ये प्रस्तावित है अभी। ओके, हरियाणा फाइलों का काम पूरा हो चुका है, उसके बाद ये स्टार्ट होगी बनने के लिए। हरियाणा की मुख्य फसलें याद रखनी है आपने कौन कौन सी है। सबसे पहले ये चावल, अब वीडियो में ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चावल के लिए 70 से 200 सेंटीमीटर के नियर अबाउट वर्षा चाहिए और चिकनी और दोमट मिट्टी चाहिए। बासमती चावल के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आंसर क्या आएगा? करनाल। इसीलिए करनाल को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा। हरियाणा का पेरिस भी किसे कहा जाता है? करनाल को। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ कहाँ होते हैं? तो ट्रिपल के याद रखना, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र। पूरे जिले के 33% से ज़्यादा चावल इन्हीं तीनों जिलों में होते हैं, इसीलिए करनाल को धान का कटोरा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूँ के लिए भी दोमट मिट्टी चाहिए। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होती है? सिरसा में होती है। गेहूँ की टोकरी भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो आंसर आएगा हरियाणा, क्योंकि हरियाणा जो है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 1.34% ही है, फिर भी 12% से ज़्यादा गेहूँ कहाँ पर होती है? हमारे हरियाणा में होती है, इसलिए हरियाणा जो है गेहूँ के उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा है लेकिन लागत कम है, इसलिए हरियाणा को गेहूँ की टोकरी कहा जाता है। अगली फसल है गन्ना। गन्ने के लिए भी दोमट मिट्टी चाहिए। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? यमुनानगर में। और जहाँ गन्ना होता है वहाँ हाथी भी होते हैं, तो हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ पर है? यमुनानगर में। और सरस्वती शुगर मिल भी कहाँ पर है? यमुनानगर में। ओके, बार बार रिवाइज करिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास। कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। तो कपास सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ होता है? सिरसा में। सिरसा में सबसे ज़्यादा कपास होता है, सबसे ज़्यादा गेहूँ होती है, सबसे ज़्यादा गाय भी सिरसा में है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला भी सिरसा ही है, लेकिन वर्षा सबसे कम होती है सिरसा में। नेक्स्ट है हमारे पास फसल का नाम मक्का। सबसे ज़्यादा मक्का हरियाणा के किस जिले में होता है? तो आंसर आएगा पंचकुला। 1995 में बना था पंचकुला। सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ बना था 1966 में। ओके, यहाँ तक वीडियो आपने आराम से सुनी होगी, समझी भी होगी और शेयर भी करी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आप में से किसी को भी ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो हमारी सिरसा में एकेडमी है, आदर्श एकेडमी, जहां पर बैंकिंग, SSC, रेलवे, हर चीज़ की तैयारी करवाई जाती है। अगर आपके नॉन में या आप में से भी किसी को कोचिंग लेनी है तो आप हमारी एकेडमी पे आ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर है? रोहतक में। हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1967 में। हरियाणा में बड़खल झील का निर्माण कब किया गया? 1947 में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क क्यों फेमस है? हरियाणा में दो ही नेशनल पार्क है, कलेसर और सुल्तानपुर। सुल्तानपुर क्यों फेमस है? साइबेरियन सारस के कारण। कलेसर नेशनल पार्क क्यों फेमस है? लाल जंगली मुर्गे के कारण। सुल्तानपुर गुरुग्राम में है, कलेसर यमुनानगर में है। हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क सबसे बड़ा है? तो कलेसर। कितनी एकड़ में? लगभग 11,570 एकड़ में। हरियाणा का कौन सा जिले की राजधानी से सीमा लगती है? हमारी राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से एक ही जिले की सीमा लगती है, वो है पंचकुला। बाबा उदासनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो आंसर आएगा फरीदाबाद। भगत पूर्णमल का मेला कहाँ लगता है? तो आंसर आएगा गुरुग्राम। हरियाणा में टोटल 8 वन्यजीव अभयारण्य है, जिसमें से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? अबूब शहर। अबूब शहर कहाँ पर है? सिरसा में। कितनी एकड़ में है? लगभग 29,000 एकड़ में। हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? छिलछिला। लगभग कितनी एकड़ में? 71 एकड़ में है। कहाँ पर? ये कुरुक्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानपुर पक्षी विहार का नाम सुल्तानपुर नेशनल पार्क कब किया गया? तो ये किया गया 1989 में, उससे पहले इसका नाम सुल्तानपुर पक्षी विहार था। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन सराय अली वर्दी की मस्जिद कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में है। काबुली बाग मस्जिद में किस पत्थर का प्रयोग किया गया? तो आंसर आएगा काले पत्थर का।
कालका का मेला कहाँ लगता है, तो फरीदाबाद में। ओके, अगर ये पूछे कि कालका कहाँ पर है, कालका विधानसभा सीट कहाँ पर है, तो आंसर आएगा पंचकुला। ओके, जब हरियाणा बना था तब हरियाणा में करनाल मंडल था या नहीं था, तो करनाल और फरीदाबाद दोनों ही नहीं थे, बाद में बने थे ये। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा है, पलवल, 2008 में बना था। और 22वां कौन सा है, चरखी दादरी, 2016 में बना था। 1989 में हरियाणा में कितने जिले बने थे, 4 जिले, जो मैंने पीछे आपको याद करवा दिए। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, तो कितनी है, 2,53,51,462। हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितनी प्रतिशत है, 2.09% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। पूरे देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 1.34% है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का हरियाणा में क्या रैंक है, 18वां, और क्षेत्रफल के आधार पर क्या रैंक है, 21वां। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी, सबसे छोटा कौन सा है, सिक्किम, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, हरियाणा का नंबर कौन सा है, 21वां। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आएगा भिंडावास, जो झज्जर में है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, रेवाड़ी में, और राजा नाहर कहाँ से है, फरीदाबाद से। सियोनथी जंगल किस वन्य जीव अभयारण्य का नाम है, छिलछिलान, जो कुरुक्षेत्र में है। फुलडीर का मेला कहाँ लगता है, फरीदाबाद में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है, हरियाणा की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। वो 2 कौन से हैं, दिल्ली और चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश कब बना, 1 नवंबर 1966 को। काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाई थी, बाबर ने। काबुली बाग मस्जिद है कहाँ पर, पानीपत में, और पानीपत कब बना था, 1989 को। नेक्स्ट है, काबुली बाग मस्जिद में चबूतरा किसने बनवाया था, तो हुमायूं ने। मैंगो मेला कहाँ लगता है, सबसे ज़्यादा आम तो अंबाला में होते हैं, लेकिन मैंगो का मेला कहाँ लगता है, पंचकुला के यादवेंद्र गार्डन में। श्याम जी का मेला कहाँ लगता है, तो श्याम जी का मेला लगता है, ऑप्शन देख लेना, झज्जर या रोहतक में से एक मिलेगा, अगर दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे तो झज्जर और रोहतक में। श्याम छड़ी का मेला कहाँ लगता है, तो वो लगता है रेवाड़ी में। और खाली छड़ी का मेला कहाँ लगता है, तो आंसर आएगा करनाल। दिल्ली से हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है, आंसर आएगा 4, और चंडीगढ़ से 1, जो कि पंचकुला है। हेरिटेज मेला कहाँ लगता है, पंचकुला में। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हरियाणा की कितनी जनसंख्या गांव में रहती है, तो लगभग 165 लाख, और कितनी जनसंख्या शहरों में रहती है, तो लगभग 80 लाख। हरियाणा की कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है, तो प्रतिशत में पूछे तो 65%, और शहरों में पूछे तो 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या गंतव्य पूछे तो आंसर आएगा 382, और हरियाणा का पूछे तो आंसर आएगा 573। खोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, पंचकुला में। शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर है, तो आंसर आ जाएगा आपका रोहतक। सरस्वती वन्यजीव संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, कैथल में। बीरवारा कहाँ पर है, जींद में। दीनी मस्जिद कहाँ पर है, रोहतक में। हरियाणा के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर का निर्वाचन क्षेत्र वो कहाँ से निर्वाचित है, करनाल से। हिरन पार्क हरियाणा में कहाँ पर है, हिसार में। हरियाणा के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, कैप्टन अभिमन्यु। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, ओम प्रकाश धनखड़। और वर्तमान में वन मंत्री कौन है, श्री नरबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MDU यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो कई बार बता दिया मुझे, कमेंट करके बताइए आप कि कहाँ पर है। MDU यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 1976 में। हरियाणा के किस जिले को पिंक सिटी कहा जाता है, फतेहाबाद को। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की, ये की थी जगदीश सिंह ने। 1989 में हरियाणा में कौन कौन से जिले बने थे, तो रेवाड़ी, कैथल, यमुनानगर और पानीपत। अम्बाला जिला कब बना था, 1 नवंबर 1966 को। कैक्टस गार्डन कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा पंचकुला। और यहाँ हरियाणा के किस मंडल में सबसे ज़्यादा जिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतक। अगर किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट लगते हैं, तो प्लीज़ नीचे आराम से बताना कमेंट में कि मैम आपका ये क्वेश्चन गलत है, कि 500 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन गलत है, तो कुछ स्टूडेंट को वो एक क्वेश्चन दिखाई देता है, ये नहीं दिखाई देता कि 500 क्वेश्चन लिखने में कितनी मेहनत लगी है, और कितनी मेहनत से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो प्लीज़ अगर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट लगता है, तो नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे बता देना, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट है, पलवल जिला किस मंडल में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। किंग फिशर पर्यटन स्थल कहाँ पर है, अम्बाला में। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के। हर्षचरितम किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने। अग्रोहा का प्राचीन नाम क्या है, तो अग्रोहा का प्राचीन नाम है अग्रोदका।
हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा, जिनका जन्म बेरी में हुआ था। ट्राई सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़, तीनों को जाना जाता है। साइबर सिटी के नाम से गुरुग्राम, पेपर सिटी के नाम से यमुनानगर। सबसे ज़्यादा 1% वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। लेकिन अगर पूछे कि वन नगरी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सिरसा, क्योंकि सिरसा में अबूब शहर है। NH1 का नया नाम क्या है? NH44। हाईवे का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, वहाँ से हाईवे भी कर लेना और रिवर भी कर लेना, क्योंकि दो क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे आपसे। चौधरी छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की? ग्रेजुएशन की थी दिल्ली से और वकालत की पढ़ाई की थी उन्होंने आगरा से। नेक्स्ट है, कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला का जन्म सारा कुछ करनाल में है, लेकिन कल्पना चावला का तारामंडल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में सर्वाधिक पक्की सड़कों का गंतव्य कहाँ पर है? अंबाला में। सबसे ज़्यादा गांव पूछे तो आपका आंसर होगा यमुनानगर। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गांव कहाँ पर है? यमुनानगर में। हाथी पूर्ण स्थापना अनुसंधान कहाँ पर है? तो यमुनानगर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा गन्ना यमुनानगर में होता है। तित्तर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मैंने आपको बताया था पीछे, काला तित्तर पर्यटन स्थल पूछे तो आंसर देना है सिरसा, और तित्तर प्रजनन केंद्र पूछे तो आंसर आएगा पंचकुला। ओके, नेक्स्ट है, काला तित्तर पर्यटन स्थल सिरसा में है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कैरू। और कैरू कहाँ पर है? भिवानी में। मोर और चिंकारा पूछे तो आंसर आएगा झाबुआ। झाबुआ कहाँ पर है? रेवाड़ी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH8 का नया नाम क्या है? तो यह है NH48। NH64 का नया नाम क्या है? नेशनल हाईवे 54। उत्तर भारत की महिलाओं की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। सरसाईनाथ का मेला कहाँ लगता है? सिरसा में। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में कहाँ पर है? पंचकुला में। NH22 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो अंबाला से कालका तक। कालका कहाँ पर है आपके? पंचकुला में। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क कहाँ पर है? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में है। और प्राकृतिक पार्क पूछे तो आंसर देना है यमुनानगर। देवी तालाब का मंदिर कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे हैं, सबका नीचे कमेंट करना मुझे। पंचवटी मंदिर कहाँ पर है? तो आंसर आएगा पलवल। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है? तो श्री कृष्ण लाल पवार। हरियाणा में लोकसभा सीट कितनी है? 10। राज्यसभा सीट कितनी है? 5। विधानसभा की कुल सीटें पूछे तो 91, क्योंकि 90 तो है ही है, एक राज्यपाल मनोनीत करता है, आंगल भारतीय, अभी तक किसी ने नहीं करी है, लेकिन राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है। हरियाणा में वर्तमान में विधानसभा सीटें कितनी है? 90। कुल पूछे तो 91 दे देना, और अगर पूछे राज्यपाल कितने मनोनीत करता है तो 1, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 90। ओके, तो इतने क्वेश्चन आपको यहां से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स मतलब HMT किस नगर में स्थित है? तो आंसर आएगा पिंजौर। 51 शक्तिपीठों में से भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर है? कुरुक्षेत्र में। भारत की सबसे लंबी और प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा। और गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। और यमुना नदी हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है? ताजेवाला में। वहां से दो नहरें निकाली जाती है, पश्चिमी यमुना और पूर्वी यमुना। हमारे हरियाणा में कौन सी आती है? पश्चिमी। और यूपी में चली जाती है? पूर्वी। किस शहर में स्थित मकबरा हरियाणा का ताजमहल कहलाता है? तो थानेसर में। कौन सा? शेख चिली का मकबरा। गुगा नवमी के त्यौहार पर किस नृत्य की परंपरा है? तो आंसर आएगा छड़े नृत्य की। वह धार्मिक केंद्र कौन सा है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया? आंसर आएगा ज्योतिसर सरोवर, जो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो आंसर आएगा 10वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामू भांजा की प्रसिद्ध मजार कहाँ पर है? सोनीपत में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रोहतक में। मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया? नेकचंद ने। हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर आएगा अरुणा। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भीम पुरस्कार। गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? तो आंसर आएगा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई? तो आंसर आएगा 18 दिन तक। शेख तायब का गुबंद कहाँ पर है? तो कैथल में। सबसे कम समय तक हरियाणा के CM कौन रहे थे? ओम प्रकाश चौटाला। और राज्यपाल कौन रहे थे? ओम प्रकाश वर्मा। कितने दिन तक? 5 दिन तक। और करण का टीला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जिसमें लगभग मैंने आपको 500 के करीब क्वेश्चन कवर करा दिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना, क्योंकि वीडियो शेयर करना आप लोगों के हाथ में है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आई है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।